अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद अरसलान। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जीमेल अकाउंट और गूगल अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग पहले भी जीमेल अकाउंट और गूगल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी गूगल में यूट्यूब पर यही सर्च करते हैं हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरह जीमेल अकाउंट और गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों ने आज की ये वीडियो ज़रूर देखनी है, एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो की जानकारी बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सकें। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं आज की वीडियो के जाने। आप लोगों ने सिंपली क्रोम पर आ जाना है। यहां पर आपने जो है वो अगर तो आपके पीसी में या फिर मोबाइल में जीमेल अकाउंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपने टॉप वाले साइन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग टॉप वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने लास्ट पर ऐड के साइन पर क्लिक करना है तो आपके सामने सेटअप योर न्यू क्रोम प्रोफाइल का ये जो है वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यहाँ पर आपने साइन इन और कंटिन्यू विद आउट एन अकाउंट का आपके सामने जो है प्रोफाइल आ जाएगा। आपने साइन इन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताई जा रही हैं और पूछी भी जा रही हैं। तो अगर तो आपका ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है और आप लोग वही एक ही क्रोम में जो है एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने जस्ट फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस का आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है और नेक्स्ट करना है तो वो आपका जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल तो लोग जो है वो डिफरेंट सर्च इंजन जो है वो सर्च ब्राउज़र जो है वो डाउनलोड करते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के लिए। जैसे कि फेसबुक के लिए अलग जो है वो ब्राउज़र होता है, टिकटॉक के लिए, ट्विटर के लिए, ये अपना जो है वो अलग अलग ब्राउज़र उन्होंने डाउनलोड किए हुए हैं। लेकिन अगर आपके 10 से ज़्यादा भी अकाउंट हैं तो आप लोग गूगल क्रोम में ही वो आप लोग जो है वो उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ अगर आप लोग न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने लास्ट पर ये देखें क्रिएट अकाउंट के साइन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तीन ऑप्शन आएंगी। आप लोगों ने फॉर माई पर्सनल यूज़ पर क्लिक करना है। आपके सामने क्रिएट अ गूगल अकाउंट का ये ऑप्शन शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखना है। देन यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने और जेंडर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है आपने जी। तो यहाँ पर आपने अपनी जो है वो जीमेल आईडी उस नाम से बनानी है जो कि आपको जो है वो याद रहे या आपके प्रोफेशनल अपना यूज़ के वो रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैंने अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के नाम से बना ली है, पाकिस्तान लिखा है और उसके साथ मैंने आगे लिखा है अपने 22/7/1995 अपनी डेट ऑफ बर्थ आगे लिख दी है ताकि वो मुझे भूले ना। देन यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर जो है वो पासवर्ड मुझसे पूछेगा। तो पासवर्ड मैं तो किसी नाम के साथ कुछ डिजिट लिखता हूँ, तो आप लोगों ने भी कोई नाम लिख लेना है और उसके साथ कोई डिजिट आप लोगों ने लिख लेने हैं जी। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ये फ़ोन नंबर आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि अगर तो आपका जीमेल अकाउंट रिकवरी पे चला जाता है तो आप लोग इस फ़ोन नंबर से इजीली जो है वो उसे रिकवर कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर एक लिख लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपने नेक्स्ट करना है तो आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।